पीछे प्रकाश भाई पूरे कांप रहे हैं। सच में यार प्रकाश भाई तुम्हारे पैर क्यों हिल रहे हैं? सच में यार मैंने जब से बेनली को S1000 RR में कन्वर्ट किया है ना तब से मुझे बेनली वापस बनाने को मन नहीं कर रहा है एंड सेल करने को भी मन नहीं कर रहा है। बट 1000 CC लेना है तो इसको सेल करना पड़ेगा। सो गाइस व्हाट्स अप कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए। हमारे आगे का फ्रंट लुक बन गया था, ये वाला लुक बनेगा। सब जगह पे हमको कार्बोर लगाने हैं। कार्बोर लगाते ही अपन फाइबर का मोल्ड बनाना काम चालू कर देंगे। आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो, अभी ज्यादा कुछ बात नहीं करनी है, बस काम दिखाना है फटाफट। आपको लग रहा होगा कि धवल भाई इतने वीडियो ये प्रोजेक्ट के यार कैसे बताए, काम ही ख़त्म नहीं होता क्योंकि A to Z बनाना है खुद तो टाइम तो लगेगा। मैंने आपको पहले बोला था कि जब तक मुझे इसका लुक सामने दिखे नहीं कि हाँ परफेक्ट लुक नहीं आया तब तक इसको ओके करेंगे। तो कल मैंने यहाँ पे देखो ये वाला सीट लगाया था, ये वाला सीट यहाँ पे लगाया था ऐसा, तो वापस खोल दिया क्योंकि इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा है। पूरी एक ही सीट रखनी पड़ेगी, मैंने कटिंग करके लगा दिया ना उसमें मज़ा नहीं आ रहा है तो पूरी एक ही सीट रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए वापस खोलेंगे, ये देखो ये कैसा बनेगा पूरा एक वैसा एक पूरा बनाएगा। कुछ भी करना है गाड़ी ऐसी बननी चाहिए कि लोग देखते रह जाए। किसी ने नहीं सोची होगी वैसा करेगा तेरा भाई। तो वैसे भी टाइम देखो 4:12, हर रोज कोई ना कोई आता है अपने सब्सक्राइबर, बोलते हैं कि बाइक को चालू करो साउंड सुनना है। बट यहाँ पे देखो पेट्रोल बहुत ही कम है, एक पॉइंट भी नहीं है, पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। उससे पहले अपन फटाफट नियर बाई लोकेशन में पेट्रोल पावर पेट्रोल डलवा के आ जाएंगे एंड रख देंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी मेरे पास 15-20 मिनट है, बाद में हमारे वो भाई आने वाले हैं फाइबर का वर्क करने के लिए। तब तक अपन बेनली में पेट्रोल डलवा के आते हैं एंड छोटी सी एक राइड लेके आते हैं 5-6 किलोमीटर की। चलो पहले तो इसको कोल्ड स्टार्ट करते हैं। प्रकाश भाई आना है ना, चलो चलो सोच रहे हैं कि एक राइड करके आए जनवरी में। तो गाइस प्लान चल रहा है राजस्थान ही जाएंगे तो नज़दीक में, बट कौन सा लोकेशन होगा अभी करते हैं प्लान। बट इस साइड में तो सबको मिल के आएंगे राजस्थान में। एंड मैं अभी सोच रहा हूँ कि ये बेनली को सेल करूँ या 1000 बाइक लूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मुझे 1000 बाइक लेनी है, 1000 CC बाइक लेनी है, कौन सी लेंगे अभी कोई डिसाइड नहीं है। कोई बाइक अच्छे बजट में बैठती हो वैसी बाइक लेंगे 1000 CC। ये बेनली को अपन शायद सेल करेंगे नहीं तो रखेंगे, देखते हैं क्या करने वाले हैं। सच में यार मैंने जब से बेनली को S1000 RR में कन्वर्ट किया है ना तब से मुझे बेनली वापस बनाने को मन नहीं कर रहा है एंड सेल करने को भी मन नहीं कर रहा है। बट 1000 CC लेना है तो इसको सेल करना पड़ेगा। तो क्या करें, पावर का रेट है 107 एंड ये पेट्रोल पंप पे सेल का। अब
पंचर डलवाते हैं वो चाहूँगा इधर से, बट वो अहमदाबाद रोड पे है एंड हमारे बावला के बाजू में है। प्रकाश भाई कैसा फील आ रहा है? हिलने लगा। क्या हिलने लगा? पैर हिलने लगे। मजा आया ना? तुम्हारा फेवरेट राइडर कौन है? अरे यार मैं तो हूँ, और दूसरा दूसरा कोई नहीं, कोई तो होगा ना यार। मैं ना सच में पहले बहुत राइड करता था, बहुत घूमता था, अच्छे अच्छे लोकेशन दिखा नहीं सकता, अभी टाइम ही नहीं मिलता यार, बट कोई नहीं, बीच बीच में अपन राइड भी करते रहेंगे। अरे पक्का भाई क्या हो रहा है तुम? पीछे प्रकाश भाई पूरे कांप रहे हैं सच में यार। प्रकाश भाई तुम्हारे पैर क्यों हिल रहे हैं? अरे पैर हिल रहे हैं। चलो वापस अपनी जगह पे अपनी बाइक। प्रकाश भाई कैसा लगा? हाँ डर लगा, पैर वाइब्रेट हो रहे। तो देखा मैंने। तो गाइस हमारा इतना बॉडी बन चुका है, हाँ पेटन बन चुका है, अभी इसके ऊपर से अपन मोल्ड बनाएंगे। मतलब बहुत टाइम लगा इतना बनाने में, बट क्या है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कौन सा कार्डबोर्ड कहाँ से मुड़ना वो सब कुछ, बट हो चुका है। अभी इसके ऊपर छोटा मोटा जो यहाँ पे गैप है वो पुट्टी से फिनिशिंग करेंगे, पुट्टी बनाएंगे एरोसिल पाउडर की एंड उसके बाद मोल्ड बनाएंगे, ऐसे में ऐसा बॉडी बन जाएगा यहाँ पे। तो टाइम देखो 8:21। तो गाइस यहाँ पे प्रकाश भाई का फ़ोन कनेक्ट किया हुआ था सॉन्ग सुनने के लिए, तो यहाँ पे सब सॉन्ग आ रहे हैं। तो मैंने अभी सर्च में देखा तो यहाँ पे एक मोटा हाथी, तो प्रकाश भाई ये सुनते हैं एक मोटा हाथी। प्रकाश भाई क्या है, सुबह हो चुकी है एंड ठंडी की तो बात ही मत करो, सुबह सुबह गर्मा गर्म नाश्ता करने का मज़ा ही कुछ और है, वो भी गांठिया और फाफड़ा लेके जाते हैं। आज खाने का मन हो गया इसके लिए, यानी वर्कशॉप तो हमारा चालू है, वहाँ पे काम चालू है, मैं अभी अभी घर पे फ्रेश होके जा रहा हूँ वहाँ पे एंड टाइम देख लो 9:03। देखो यहाँ पे पूरा हमारा ये वाला पार्ट हो चुका है रेडी, फिनिशिंग सब कुछ हो चुका है एंड आपको बता था कि यहाँ पे बॉर्डर थी थोड़ी बहुत गैप थी, तो भी पीओपी से हमने कवर कर लिया, फिनिशिंग भी हो चुका है। यहाँ पे आ जाओ, ये जितना पार्ट है ना ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक पार्ट बनेगा एंड ये यहाँ से लेके यहाँ तक वो भी पूरा अलग बनेगा एंड बीच वाला भी अलग बनेगा कि इंजन में कुछ काम करने को रहा तो अपन इसका बॉडी ऐसे ऊपर खोल के इंजन में काम कर सकते हैं, वैसा सब कुछ प्लान करके बनाएंगे। सबसे पहले तो ये वाला पार्ट बनाएंगे। तो गाइस देखो इस साइड का हमने मोल्ड कंप्लीट बना दिया है, अभी ये वाला पार्ट को जाने दो, अभी ये वाला पार्ट का मोल्ड बनेगा एंड मोल्ड यहाँ पे सूख रहा है, देखो थोड़ा बहुत सूख रहा है, ओके हो चुका है। यहाँ पे देखो ये कार्डबोर्ड नहीं है, छोटी सी पतली सी कार्डबोर्ड की लेयर आ चुकी है, तो फिनिशिंग में आ जाएगी एंड अभी ऊपर वाला पार्ट का मोल्ड बनाएंगे। इतना ये अलग है, ये पूरा एक अलग था एंड ये भी ये पूरा अलग रहेगा पार्ट एंड ये भी पार्ट अलग रहेगा, मतलब टोटल कितने पार्ट में बॉडी थी भाई? 10 पार्ट में थी ना, टोटल 10 पार्ट में हमारी बॉडी बनेगी। एक तो ये वाला आपने गिन लिया, 1 2 3, ये 4 5, पीछे 6 7 8 9 10, हाँ 10 पार्ट में बॉडी बनेगी। एंड यहाँ पे प्लान हो रहा है कि कल राइड पे जाना है, चाहे नज़दीक की राइड आनंद गैलॉक्स या कोई और लोकेशन, देखते हैं कहाँ जाना है, बट जाना तो है। तो देखो ये मुझे प्रकाश भाई ने गिफ्ट किया हुआ है टी शर्ट, जो बहुत ही मस्त है, भाई ने प्लान किया हुआ है आज कि कुछ भी करो चलो राइड पे जाना है, राइड पे जाएंगे 9 बजे तक हमको वापस आना है, वैसे ही राइड करेंगे तो आनंद गैलॉक्स हमारे पास एंड और भी दो लोकेशन है, बट
आनंद क्लब जाएंगे, सोच रहे हैं आके काम करना है प्रोजेक्ट का, तो भाई लेंगे अपनी हल्क एंड मैं लेने वाला हूँ बैलन ली अपनी S1000 RR।